हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपकी एस्ट्रो मित्र डॉक्टर उमाश्री और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज मुस्कुरा के शुरुआत करने के पीछे राज वाज कुछ भी नहीं है। बस कुछ लोग कहते हैं कि आप बड़े दुखी हो, क्योंकि लोगों के दिमाग का क्या है, कोई अपने दिमाग से कुछ भी सोच सकता है किसी के भी बारे में, तो उसके लिए कोई एक्चुअली क्या बोलूँ उसके लिए। मैं सिर्फ एक बात बोलूँगी कि जब कोई बहुत बड़ा साहित्यकार, बहुत बड़ा राइटर, बहुत बड़ा एक्टर अपना काम करता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि उसके निजी जीवन या उसके निजी जीवन की कोई छाप उसके ऊपर होती है। थोड़ा बहुत प्रभाव तो होता है। जब मैं अपने निजी अनुभव आपसे शेयर करती हूँ तो मैं बोल कर करती हूँ कि हाँ भाई, ये मैंने ऐसा मेरी लाइफ में ऐसा भोगा है, तो आपको भी दिक्कत ना आए, किस ये मेरा इंटेंशन रहता है। और कुछ लोग कनेक्ट कर देते हैं तो उसका कोई वो नहीं है। तो मैं आपको बोलूँगी कि ये धारणा आप आपके मन की निकाल दीजिए कि मैं दुखी हूँ या परेशान हूँ, ये सब चीज़ आप निकाल दीजिए। ये आपकी निजी और विकृत सोच है, उसी का ये आप थोड़ा सा अपने दिमाग का इलाज कराइए तो आपको समझ में आएगा कि आप किसी के भी बारे में कपोल कल्पित कल्पनाएं ना करें। अब मित्रों, एक चीज़ और बोलूँगी आपको मैं आज। जैसे कई लोग चिढ़ते हैं ना किसी से भी, चिढ़ने वालों का भी कोई दीन धर्म नहीं होता मित्रों। कोई किसी से कभी भी चिढ़ सकता है। आपने अच्छा पहन रखा है तो चिढ़ सकता है, आपने नई गाड़ी खरीदी तो चिढ़ सकता है, आपने नया मकान बनाया है तो चिढ़ सकता है, आपके एक से अधिक मकान है तो चिढ़ सकता है, आपने अच्छी ज्वेलरी पहन रखी है तो चिढ़ सकता है, चिढ़ सकती है मतलब। तो ऐसे लोगों का कोई दीन धर्म नहीं होता। आपके वर्क प्लेस पर, आपके घर पर, पड़ोसी, रिश्तेदार, बाहर कहीं कोई किसी बिना वजह आपसे चिढ़ सकता है। लेकिन ये लाइलाज बीमारी वाले लोग हैं जिनका कोई इलाज नहीं है। और इसके लिए एक ही जवाब है कि आप अपने आप को ही सेव करके चलें, अपने काम पर ध्यान दें, क्योंकि ऐसे लोग इतने महत्व के नहीं होते कि उनके बारे में कुछ कहा जाए। क्योंकि देखिए ना, ऐसे व्यक्ति चाहते थे कि मैं उन पर एक वीडियो ही बना डालूं। एक महोदय ने तो ये भी भेज दिया कि नहा के वीडियो बनाया करो। तो भाई साहब, मैं आपको ये जवाब दे दूँ कि आपने अपनी शक्ल, शायद आप तो कई सालों से नहीं नहाए हैं, इसीलिए आपने फर्जी आईडी और फर्जी शक्ल के साथ में ये भेजा था कमेंट। तो क्या आपके घर की महिलाएं पड़ोसियों को दिखा दिखा के नहाती हैं? मैं आपसे यही सवाल पूछूंगी। हमारे घर पे तो भैया ऐसा नहीं होता। और हम नहाते हैं या नहीं नहाते हैं तो इसके लिए पर्सनल रीज़न है, पर्सनल विषय है किसी का भी। इसके लिए आपको, हमारे राजस्थान का शब्द बोलती हूँ, डांग पटलाई करने की ज़रूरत नहीं है। डांग पटलाई मत करो, अपने काम से काम रखो। तो मित्रों, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा इसलिए खिंच गया कि थोड़ा बहुत हंसी ठट्टा, हंसी मजाक करना भी ज़रूरी होता है ऐसे वाहियात लोगों के साथ के बारे में। इसलिए मैंने सोचा चलो आज थोड़ा सा मनोरंजन ही कर लें, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मैंने इस तरह की प्रतिक्रिया देना बिल्कुल बंद कर दिया था। जब मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया था तब मैं काफ़ी सोचती थी कि भाई क्या होता है, कैसे कैसे लोग कमेंट भेजते हैं। पर अब मैंने सोचा कि ये तो सभी के साथ में है, सभी के चैनल में घुसपैठ करते हैं, क्योंकि उनमें अपने आप में तो इतनी सामर्थ्य होती नहीं कि वो कोई यूट्यूब चैनल बनाए, या कोई टैलेंट नहीं होता तो वो अपना फर्जीवाड़ा सभी चैनलों पर फैलाते हैं, फर्जी तरीके की बातचीत करते हैं, फर्जी कमेंट करते हैं, उल्टी सीधी प्रतिक्रिया करते हैं। और ये एक चीज़ और दर्शाती है मित्रों कि वो कितने, कैसे उनके संस्कार हैं, कैसे परिवेश में वो पलकर बड़े हुए हैं। ये भी जाहिर होता है कि कोई कुछ नहीं बन पाता तो इस तरह के कमेंट भेजने वाला बन जाता है या बन जाती है, लेडीज़ भी हैं इसमें। मित्रों, आज का जो टॉपिक है ना, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज ये एक्चुअली रिक्वेस्टेड वीडियो है और कमेंट में ही आया है। अच्छे अच्छे कमेंट भेजने वालों की भी मित्रों कमी नहीं है, ज़्यादातर कमेंट तो अच्छे अच्छे ही आते हैं। और मैं किसी वीडियो में आपसे अपने कमेंट भी शेयर करूँगी, जिससे आपको पता चलेगा कि कितने अच्छे और सुलझे हुए विचारों वाले मेरे सब्सक्राइबर, मेरे प्यारे भाई बहन हैं जो मुझे अच्छे अच्छे कमेंट भेजते हैं। और ये इक्के दुक्के चलता हुए लोग होते हैं जो चलते चलते अपने दिमाग का जो विकृतियाँ शो करते रहते हैं लोगों को, तो उनके उनके उनका चेहरा भी आपके सामने लाना जरूरी था। चेहरा से मतलब उनकी जो करतूतें थी आपको बतानी जरूरी थी। मित्रों, आइए मूल टॉपिक पर आते हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर मायके वाले सपोर्ट ना करें तो क्या करें। क्योंकि मैंने अभी जो लेटेस्ट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि ससुराल वाले अगर आपका जीना दुभर करें, सास ननद आपको बहुत परेशान करें। देखिए, मैं परिवारों को तोड़ने की बात कभी नहीं करती हूँ, मैं हमेशा रिश्ते निभाने की बात करती हूँ। लेकिन जब पानी सिर से ऊपर चला जाए, क्योंकि कुछ बहनों ने कमेंट भेजा था कि लगता है आपकी सास ननद बहुत अच्छी हैं, इसलिए आपको पता नहीं है कि लोगों के घरों में क्या होता है। तो जी हाँ, फिर वाकई में आपने सही कहा, मेरी सास और ननद बहुत अच्छी हैं और मुझे नहीं पता था। लेकिन जब मैंने देखा लोगों के घरों में कि बहुत तरह की परेशानियां हैं, बहुत लोगों से बातचीत की, तो मैंने ये उपयुक्त समझा कि इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाना चाहिए। और मेरी सासू माँ और मेरी जो नंद है, उनका सहयोग, उनका आशीर्वाद ही है कि आज जो मैं इस चैनल, मेरा चैनल इतना ग्रो कर रहा है, और उनका जो जिसको बोलते हैं मोटिवेशन है, तो
मैं तो मेरे घर की तो आपको ये बात बताती हूँ कि मेरे सास ननद तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हाँ सभी के सास ननद ऐसे नहीं होते हैं और कई तरह की समस्याएं लोगों को जूझनी पड़ती है। तो मैं आपको यही चीज़ बताने जा रही हूँ मित्रों कि अगर ससुराल वाले ख़राब हैं लेकिन मायके वाले उससे भी ज़्यादा ख़राब हैं। कई घरों में ऐसा होता है ना कि लड़कियों के सामने ये स्थिति बड़ी विकट हो जाती है। क्यों? वो ससुराल के जुल्म सहती हैं क्योंकि मायके वाले उनको सपोर्ट ही नहीं करते हैं, उनके लिए कोई दरवाज़ा खुला ही नहीं होता जहाँ जाकर वो अपने दुखड़े रो सकें। तो मैं आपको ये बोलूँगी, इंसान ज़िंदगी में अकेला आया है और अकेला ही जाएगा। तो आपको हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अपने हौसले बुलंद करने चाहिए। परिस्थितियाँ कितनी भी विकट हों, आप मोटिवेशनल स्पीच सुनो, आप मोटिवेशनल जो पॉइंट हैं उनकी कविताओं को पढ़ो, हरिवंश राय बच्चन जी की कविताओं को पढ़ो आप, और हिंदी के बहुत अच्छे अच्छे लेखक हैं, अन्य विषयों के भी सॉरी अन्य भाषाओं के भी लेखक हैं जिनको पढ़कर आप अपने भीतर एक चेतनता, एक जागृति पैदा कर सकते हो और फिर आप ऐसे जंजालों से निकल सकते हो। अपनी काबिलियत को बढ़ाकर आगे बढ़ना सबसे सुगम मार्ग है जिसके द्वारा आप दुनिया की हर जंग को जीत सकते हो। किसी के भी सहारे की फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोग आपसे सहारा मांगने आएंगे, ऐसा दिन आ जाएगा। तो अपनी काबिलियत को बढ़ाओ, अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाओ अगर रुक गई है किसी कारण से, और गवर्नमेंट ने ऐसी ऐसी अनेकों योजनाएँ चला रखी हैं, तो किसी भी गवर्नमेंट कार्यालय में किसी अच्छे NGO में जाकर आप संपर्क कर सकते हो कि महिलाओं के लिए कौन कौन से उपयोगी कोर्सेज हैं या कौन कौन से डिप्लोमा है, कौन कौन सी ऐसी एजुकेशन है जिसको करके आप अपने जीवन की इन चिंताओं से मुक्त हो सकते हो। क्योंकि जब आप दूसरों पर डिपेंड रहते हो तो दूसरे आपका शोषण करते हैं, जब आप अपने आप आत्मनिर्भर बन जाते हो, अपने पैरों पर खड़े हो जाते हो, तो ना किसी आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और पीहर वाले अगर किसी लड़की को सपोर्ट नहीं करते तो इससे शर्मनाक तो कोई स्थिति हो ही नहीं सकती, लेकिन बहुत से घरों में ऐसी स्थिति होती है जहाँ भाई भाभी अपनी दादागिरी मचाते हैं, जहाँ पर माँ उनके छोटे छोटे बच्चों को पालने का एक ज़रिया होता है, उनकी बुजुर्गियत बजाय आराम से बीतने के उनके छोटे छोटे बच्चों को पालने में बीतती है और वो बिल्कुल शर्मसार नहीं होते, उनको सिर्फ अपने मतलब से मतलब होता है। इसके अलावा कई बहन आकर प्रॉपर्टी में हिस्सा ना मांग ले, कहीं दामाद पर कुछ खर्चा ना करना पड़ जाए, इस वजह से भी मायके वाले कन्नी काटने लगते हैं और बेबस माँ कुछ भी नहीं कर पाती। ऐसे घरों में जहाँ पर पिता नहीं है वहाँ तो और भी ख़राब स्थिति हो जाती है, कई अच्छे भाई नहीं है तो भी बड़ी बड़ी ख़राब स्थिति हो जाती है। तो खैर कुल मिला के बात यह है कि किसी पर भी डिपेंड मत रहो, अपनी योग्यता को बढ़ाओ और दोनों को दो टूक जवाब देकर और जय राम जी की बोलकर अपने काम पर लग जाओ, आपका अवश्य ही भला होगा। आज का वीडियो समाप्त करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।